नर्मदा गौशाला का कार्य अपूर्ण पड़े रहने से विरोध में करनी सेना बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकालकर हंडिया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 15 दिनों में गौशाला का कार्य प्रारंभ नहीं किया तो उग्र आंदोलन चक्का जाम किया जाएगा। हंडिया तहसील क्षेत्र की नर्मदा गौशाला का निर्माण कार्य विगत 4-5 वर्षों से कछुआ गति से आगे बढ़ रहा था। बताया जाता है कि गौशाला का निर्माण कार्य पिछले 3-4 माह से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इस तरफ जिम्मेदारों द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते गौ माता भूखी प्यासी पन्निया खाकर असमय ही मृत्यु हो रही है। इसी तारतम्य में आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद संगठनों के प्रमुख एवं कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकालकर हंडिया तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने हंडिया तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा व हंडिया पुलिस TI को हंडिया गौशाला का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। शुरू से आपने कितनी बार देख चुके हो? मेरा नाम गौरव तिवारी है, मैं जिला मठ मंदिर प्रमुख हूँ और हम इस बार जन आक्रोश को लेकर हमारे पूरे गाँव में और जन आक्रोश है, जिसके लिए हम आज गौ माता के सम्मान में सभी संगठित होकर आए हैं, क्योंकि हम गौ माता के लिए जो गौशाला निर्माण कार्य है वो काफ़ी समय पहले भूमि पूजन हो चुका था, लेकिन आज लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं, वो अभी तक आरंभ नहीं हुई है। गौ माता दर दर भटक रही है। हम कई लगभग 5 से 6 बार प्रति हर साल हम आवेदन देते हैं और हमारे पास प्रतिलिपि भी जमा है। हम माननीय मंत्री जी को भी इससे अवगत करा चुके हैं, तहसील कार्यालय में भी कईयों बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमें हमेशा हाथ में निराशा ही लग रही है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके हैं और अगर हमने ये आवेदन दिया 15 दिन के अंदर गौशाला चालू नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस उग्र आंदोलन में हम पुल भी बंद कर सकते हैं, चक्का जाम भी करेंगे और संभवतः हमसे जो भी प्रयास बनेगा हम करेंगे। गौ माता के लिए हम सब मैदान में हैं। आज करनी सेना और जितना भी संगठन है गौशाला को लेके आए हैं, क्या है मामला? आज हिंदू समाज, बजरंग दल और गोरक्षा दल हंडिया के द्वारा करनी सेना से आह्वान किया गया था कि यहाँ पे गौशाला का जो निर्माण कार्य है विगत काफ़ी महीनों से, और काफ़ी बार ये दे चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, जिले में भी सूचित कर चुके हैं, काफ़ी प्रयास के बाद भी यहाँ पे गौशाला का कार्य आरंभ नहीं हुआ है और गौ माता की हालत बद से बदतर होती जा रही है। रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। अगर ये गौशाला का कार्य 15 दिनों में नहीं शुरू किया जाता है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, बजरंग दल, गोरक्षा दल पूरे हंडिया में आंदोलन करेगा और रोड भी जाम करेगा, पुल भी जाम कर सकते हो, नगर बंद भी करेंगे। हंडिया से बलवीर खत्री की रिपोर्ट।